दुनिया भर में तबाही मचा देने वाले कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत में निर्णायक लड़ाई चल रही है। कोरोना महामारी के खतरे से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार आधी रात से पूरे देश में 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है। महज 72 घंटे के बाद राष्ट्र के नाम दूसरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए सामाजिक दूरी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने लोगों से अपने घरों को लक्ष्मण रेखा बनाने की अपील करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री ने महामारी को देश के लिए अग्नि परीक्षा बताते हुए इससे निपटने की तैयारियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लॉकडाउन एक तरह का कर्फ्यू ही है, लेकिन जनता कर्फ्यू से सख्त है। ऐसा सोचना गलत है कि सामाजिक दूरी केवल बीमार व्यक्ति के लिए है। ये धैर्य और अनुशासन बनाए रखने का समय है। अफवाहों पर ध्यान ना दे, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना खाएं। जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने लोगों से करबद्ध अपील की कि जहां हैं वहीं रहें और घरों में रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। हालांकि लॉकडाउन होने के बावजूद जरूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं पीएम मोदी के ऐलान के बाद से ही राशन की दुकानों पर भीड़ देखी गई, लेकिन गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोग सुबह सुबह सब्जी दूध खरीदने के लिए दुकानों के बाहर जुटे हुए दिखाई दिए। वहीं लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी इमामों से अपील की है कि वो लोगों को घरों पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहें। लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने को कहा गया है ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।